वेलकम टू राजन आईजीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआईटीएस एडमिशन 2023 के बारे में। सीआईटीएस एडमिशन की बात किया जाए तो आप सभी का रिजल्ट आ गया है, सभी लोग ने अपना अपना रिजल्ट देखे होंगे। अब आगे की जो नेक्स्ट प्रोसेस होंगे वो काउंसलिंग प्रोसेस होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कॉलेज आपको चुनना पड़ेगा। उसका लिंक भी बहुत जल्द जो है वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो न्यू नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वीडियो में मेन रूप से हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सब काउंसलिंग करने से पहले दो तीन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, काउंसलिंग अगर आप करेंगे, लिंक आएगा तो आप सब लोग काउंसलिंग करेंगे, कॉलेज को चॉइस करेंगे, तो इससे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो ट्रेड है आप सबसे पहले देखिए कि किस कॉलेज में आपकी ट्रेडें हैं, वो लिस्ट कहां से मिलेगा। उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे आपको कि कौन कॉलेज में क्या सीटें हैं। पहले आपको देखना क्या है कि कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं, आपका ट्रेड का सीट है या नहीं है ये भी देखना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि हमको ये कॉलेज लेना है, जयपुर लेना है, अब पता चला कि जयपुर में आपका ट्रेड नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, आपके कौन से कॉलेज में ट्रेड हैं ये आपको देखना है। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट ध्यान देना है हॉस्टल, कौन से एनएसटीआई में आप हॉस्टल आपको मिलेगा ये भी देखना जरूरी है। इसीलिए कि अगर आपके कॉलेज की हॉस्टल मिलती है तो वहां पे हॉस्टल फी बहुत कम लगता है, 100 रुपए के महीने के आसपास लगते हैं, ठीक है, 100 रुपए के महीने। लेकिन अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, अगर आप वैसे कॉलेज चुनते हैं जिस कॉलेज के पास हॉस्टल नहीं है, तो आपको आउटसाइड लेना पड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं पैसा भी ज्यादा लगेगा और ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि आउटसाइड का पता ही होगा 2000-2500 से नीचे का रेंट तो है नहीं। तो आपको ये चीजें देखना है, नंबर ऑफ सीटें कितनी है, ठीक है, आपके ट्रेड की कौन कौन से कॉलेज हैं। दूसरा आपको देखना है हॉस्टल है या नहीं है, उस कॉलेज में मेस है या नहीं है, है ना, मेस है या नहीं है ये भी आपको देखना वहां पे जरूरी है। क्योंकि देखो, कभी बार ये होता है कि आपने कॉलेज चुन लिए, कॉलेज भी मिल गया, काउंसलिंग भी हो गया, जब आप वहां गए पता चला कि उस कॉलेज की हॉस्टल ही नहीं है। तो कुछ एनएसटीआई हैं जिनके पास उनका अपना हॉस्टल नहीं है, तो आप अपना इस चीज को जरूर देख ले। अगर हम बात करते हैं कि कॉलेज मिलेगा कैसे, तो देखिए कॉलेज की अगर बात किया जाए तो जो फर्स्ट काउंसलिंग होने वाली है उसमें नंबर ऑफ सीटें देखा जाएगा, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। दूसरा, कितने कैंडिडेट हैं जो उस कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद देखा जाएगा नंबर, सबसे सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स कौन है जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं, क्लियर है। तो ये चीजें देखा जाएगा, तो वो काउंसलिंग होने के बाद आगे वीडियो में हम लोग बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। तो आप लोग अभी फिलहाल क्या कीजिए, दो चीजें देख के रखिए, कहने हमें तो नोट करके रखिए कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। वो लिस्ट अगर आपके पास नहीं होगा तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे, शाम तक अपडेट हो जाएगी, 7-8 या 9 PM के आसपास लिस्ट, कॉलेज लिस्ट लोड हो जाएगा, किसमें हॉस्टल है नहीं है वो भी लिस्ट लोड हो जाएगा, तो आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आगे दिक्कत होती है, कई बार देखा यह गया है कि स्टूडेंट कहते हैं सर कॉलेज तो मिल गया, अब हॉस्टल इस कॉलेज को नहीं है, हम बाहर रूम ले रहे हैं, ज्यादा पैसा लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको अभी क्या करना है, देख लेना है, उसके बाद कॉलेज को च्वाइस करना है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।